हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी अच्छे होंगे। और देखिए, ज़्यादा इस कोरोना से डरिए मत, बस हाँ बी सेफ़। अपने हैंड वॉश करते रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, घर में रहिए, टीवी देखिए। अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, कहाँ हमें घर में रहने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, और अभी देखिए हमें घर में रहने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हम सब घर में रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। कुछ टाइम मैं आपका अपनी वीडियोस के माध्यम से ले लूँगा, लेकिन घर में रहिए। और ऐसा ऐसा कोई डरना हमें नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम पैनिक होंगे तो और परेशान होंगे, तो जो होगा सब अच्छा ही होगा, और कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आज हमारी जो यूरोप की कॉन्टिनेंट है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और हमने इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने माउंटेन रेंजेस देख ली थी यूरोप की, और कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस किस किस को कहाँ कहाँ से अलग करती हैं वो देख लिया था। और आज हम देखेंगे यूरोप को, हम क्योंकि कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास कहते हैं, तो कौन कौन से पेनिनसुलास यूरोप में हैं, इन पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास, निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, तो उसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा हमारा यूरोप। यूरोप जो है उसको हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। तब इससे पहले एक क्वेश्चन कि ये प्रायद्वीप क्या होते हैं, पेनिनसुलास होते क्या हैं? तो ये किसी लैंड मास, किसी भूभाग का, जब तीनों हिस्से उस भूभाग के पानी से घिरे हुए हों, तो ऐसा भूभाग जो है वो प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसा भूभाग क्या कहलाता है? ऐसा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो हमारे यूरोप में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रायद्वीप हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रायद्वीप है वो है इबेरियन पेनिनसुला। ये वाला जो पार्ट है ये है इबेरियन पेनिनसुला, ये यूरोप में है। अब इस इबेरियन पेनिनसुलाज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं? इस इबेरियन पेनिनसुला में स्पेन और पोर्चुगल जैसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं। एक बार के लिए आप इसको यहाँ मैप में मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो हैं कंट्रीज़ हैं, यहाँ पोर्चुगल आ जाता है और ये पूरा स्पेन है। आजकल स्पेन में नंबर ऑफ़ कोरोना केसेस हालांकि बहुत ज़्यादा हैं, होप करते हैं सब उनके साथ अच्छा हो। और अगली जो प्रायद्वीप है यूरोप का इम्पोर्टेंट प्रायद्वीप पेनिनसुला, वो है ये जूटलैंड पेनिनसुला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक कंट्री है यूरोप की, वो इस जूटलैंड पेनिनसुला पर ही लोकेटेड है, और उस कंट्री का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क जो कंट्री है यूरोप की वो इसी पर लोकेटेड है। और इसके जूटलैंड पेनिनसुला के देखिए आप राइट हैंड साइड में तो बाल्टिक सी है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसी के नॉर्थ सी है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसके नॉर्थ सी है और राइट हैंड साइड पे इसके बाल्टिक सी है। इन दोनों से घिरा हुआ है ये जूटलैंड पेनिनसुला। एक चीज़ और देखेंगे, इबेरियन पेनिनसुला के जो लेफ्ट में है, हमने देखा था इसके लेफ्ट में अटलांटिक ओशन है, इसके लेफ्ट में अटलांटिक ओशन है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पेनिनसुला है वो हम देखते हैं, ये है इटैलियन पेनिनसुला। इटैलियन आजकल विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चित स्थान, अगर हम कहें किसी को तो वो इटली है, और इस इटालियन पेनिनसुला में लोकेटेड है इटली। इटली लोकेटेड है, इटली की कैपिटल है रोम, रोम इटली की कैपिटल है। और इस इटालियन पेनिनसुला के पास में देखिए आप एड्रियाटिक सी है। क्या है? एड्रियाटिक सी है, और इधर लेफ्ट में जो है वो है आपके मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इटालियन पेनिनसुला। इसके बाद हम देखते हैं बालकन पेनिनसुला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बालकन पेनिनसुला। देखिए, ये बालकन पेनिनसुला है पूरा, ये बालकन पेनिनसुला का, ये पूरा बालकन पेनिनसुला के नीचे है ब्लैक सी, ठीक है, ये है अजूफ सी, और इधर है एड्रियाटिक सी, ठीक है, और नीचे पूरी मेडिटेरियन सी। तो ये हो गया बालकन पेनिनसुला, ठीक है, बालकन पेनिनसुला यूरोप में है। ठीक है, ऊपर हम चलते हैं
और एक इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला देखते हैं, ये देखिए आप, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। बहुत ही ठंडे देश यहाँ पर हैं, जैसे कि स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, ये सारी कंट्रीज जो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ सी है, ऊपर आर्टिक ओशन है, नीचे बाल्टिक सागर है, इधर गल्फ ऑफ बूथनी है, तो इसका भी जो पूरा तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उसके बाद एक पेनिनसुला बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोला पेनिनसुला। ये देखिए आप, कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला आर्टिक ओशन में है। और कोला पेनिनसुला क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको आगे महासागरीय जलधाराएं, ओशन करंट्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि एक गल्फ स्ट्रीम, एक गर्म जलधारा आती है पानी की, जो यहाँ पर आके तापमान कम कर दे, तापमान बढ़ा देती है, और तापमान बढ़ाने के कारण क्या होता है कि जो बर्फीला इलाका है कोला पेनिनसुला के आसपास जो पानी जम जाता है, वो उस गर्म पानी के प्रभाव में आके वापस से जो है वो बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, और नेविगेशन के लिए यहाँ पर रूट मिल जाता है शिप्स को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया का पार्ट है कोला पेनिनसुला, और यहाँ पर एक रशिया का बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है मर्मस्क, मर्मस्क पोर्ट है रशिया का, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है कोला पेनिनसुला में, दैट वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलाज देखे, एक बार देखते हैं हम कौन कौन से हमने देखे। इबेरियन पेनिनसुला हमने देखा, जूटलैंड पेनिनसुला देखा, स्कैंडिनेवियन देखा, कोला पेनिनसुला हमने देखा, इटालियन पेनिनसुला हमने देखा, और बालकन पेनिनसुला हमने देखा। कितने सारे हमने इंपॉर्टेंट पेनिनसुलाज देखे, एक बार हम क्विक रिविजन और करेंगे इन टॉपिक्स का। देखिए आप, जैसे इबेरियन पेनिनसुला मैंने आपको बताया कि स्पेन और पोर्चुगल के उसमें लोकेटेड है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से वो अफ्रीका को सेपरेट करता है, इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर है हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है, मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बिल्कुल इस इबेरियन पेनिनसुला के साउथ में है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जूटलैंड पेनिनसुला मैंने आपको बता ही दिया, डेनमार्क है यहाँ पर, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन नहीं है, ये आर्टिक ओशन है, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन सी कंट्री है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फिर है कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला रशिया में है, ठीक है। और जो है आर्टिक सागर की सीज जो है, वाइट सी वगैरह, ठीक है, वहाँ उनसे सराउंडेड है, ठीक है। एक इसमें मैंने आपको पोर्ट मर्मस्क के बारे में बताया था कि रशिया का एकमात्र पोर्ट है जो उनके पूरे 12 महीने नेविगेशन के लिए खुला रहता है, ठीक है। और इटालियन पेनिनसुला ये जो है आपके, मैंने बता दिया आपको, एड्रियाटिक सी में है, और पास में इसके टायरिनियन सी, नीचे मेडिटेरियन सी, इससे घिरा हुआ है। और रशिया का मैंने आपको पहले बताया कि मर्मस्क जो है ये रशिया के वेस्ट कोस्ट पे पूरे 12 महीने खुला रहने वाला बंदरगाह है। देन बालकन पेनिनसुला हमने देखा, ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है ये बालकन पेनिनसुला, इसके साउथ में हालांकि मेडिटेरियन सी भी है। तो ये सारे हमारे हुए इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलाज ऑफ यूरोप। अब इससे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं, और वो है हमारा रिवर्स, यूरोप की रिवर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूरोप में बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी, तो एक इम्पॉर्टेंट इनकी रिवर है जिसका नाम है डेन्यूब, डेन्यूब। अब याद कीजिए, कल मैंने आपको ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स मैंने आपको बताया था जर्मनी में है, ठीक है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से इसका ओरिजन होता है, तो डेन्यूब का ओरिजन जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होता है, ओरिजन इसका जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होता है। और फिर इम्पॉर्टेंट, ओरिजन तो हो गया, फिर ये फॉल कहाँ करती है, गिरती कहाँ है, ये ब्लैक सी में गिरती है, काला सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो काला सागर में ये अपना जल गिराती है, और मैंने आपको बताया था कि यूरोप के 10 देशों में बहती हुई ये जाके ब्लैक सी में गिरती है। उन सभी 10 देशों के देखिए नाम लिखे हुए हैं यहाँ, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ महत्वपूर्ण सिटीज़ इसके बैंक पर लोकेटेड है, जैसे वियना है ऑस्ट्रिया में, ब्राटिस्लावा है स्लोवाकिया में, बुकारेस्ट है रोमानिया में, बूडापेस्ट है हंगरी में, बेलग्रेड है सर्बिया में, ये कुछ इंपॉर्टेंट महानगर हैं। अब देखिए, इतने सारे महानगर किसी नदी के तट पर होंगे तो कैसी होगी वो रिवर, पॉल्यूटेड होगी, इसलिए डेन्यूब थोड़ी सी पॉल्यूटेड रिवर है। खास बात यह है कि ये यूरोप की इतने सारे देशों में बहने के बाद भी सबसे लंबी नदी नहीं है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है,
ये कौन सी है? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। देन हम देखते हैं यहाँ पर अगली रिवर यूरोप की कौन सी है, सबसे लंबी रिवर यूरोप की कौन सी है, वो है वोल्गा। वो कौन सी है? सबसे लंबी रिवर जो है यूरोप की वो है वोल्गा, ठीक है। और इस वोल्गा नदी का जो उद्गम है ये वल्दाई माउंटेन से होता है और ये कैस्पियन सी में अपना जल गिराती है। एक बार देख ले डेन्यूब रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, ये देखिए कल मैंने आपको यहाँ पर जर्मनी में यहाँ पर मैंने आपको ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पढ़ाए थे, तो वो यहाँ से निकल के और यहाँ ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। अब आपको शायद समझ में आ गया हो, ठीक है। अगली जो हमारी इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है यूराल। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है, क्यों? क्योंकि यूराल एक माउंटेन रेंजेस भी हैं जो रशिया को और यूरोप को, यानी एशिया का जो रशिया का जो एशिया पार्ट है उसको और यूरोप को सेपरेट करते हैं यूराल माउंटेन रेंजेस। और वहीं पर एक नदी भी बहती है यूराल नाम की ही, और ये नदी यूराल माउंटेन से ही निकलती है, उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। कैस्पियन सागर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है, कैस्पियन सागर क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है, और इस कैस्पियन सागर में जाके ये गिर जाती है, ठीक है। अगली इम्पॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिवर का नाम है राइन। क्या नाम है इसका? राइन। तो ये जो राइन नदी है इसका उद्गम एल्प्स पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? एल्प्स पर्वत से, और ज़्यादातर जर्मनी के पार्ट्स में बहती है। तो कोल इसकी वैली में, कोल के बहुत सारे रिजर्व है, कोयले के भंडार हैं, और इसी कारण जर्मनी इतने सारे वॉर्स वगैरह को झेल गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोल के ऐसे रिसोर्सेज हैं कि बार बार वो अपने आप को रिवाइव कर लेता है। तो जर्मनी की जो राइन वैली है, जो राइन वैली है जहाँ से बहती है, वो वहाँ पर कोल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजर्व है। बॉन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जर्मनी का, वो इसी के तट पर लोकेटेड है। और ये कहाँ अपना जल गिराती है? नॉर्थ सी में अपना जल गिराती है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जर्मनी से होता है, जर्मनी से, और ये नॉर्थ सी में जाके गिर जाती है जर्मनी में, ठीक है, नॉर्थ सी में जाके गिर जाती है। और एक हैम्बर्ग एक सिटी है जर्मनी का, वो भी इसके बैंक पर ही है। एक बार और देखते हैं मैप में, देखते हैं सिवर को मैप में, देखेंगे देखो ये नदी का उद्गम जो है, इस नदी का उद्गम यहाँ एल्प्स माउंटेन से होता है, एल्प्स माउंटेन से इस नदी का उद्गम होता है यहाँ पर। और ये देखिए आप एल्प्स माउंटेन से निकल कर ये यहाँ एल्प्स से निकल और यहाँ पर जाके नॉर्थ सी में अपना जल गिरा देती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है हमारी वो है रून। रून इसका ओरिजिन भी जो है एल्प से ही होता है, एल्प्स माउंटेन से ही होता है, और ये मेडिटेरियन सी में गिरती है। देखिए राइन ऊपर जा रही है और रून जो है वो भी एल्प से निकल रही है, लेकिन वो नीचे आ रही है। नीचे आके कहाँ? मेडिटेरियन सी में आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिवर जो है हमारी वो है पो, पो रिवर। तो ये जो पो रिवर है, इस पो रिवर को इटली की गंगा भी कहते हैं। ये आपसे पूछ भी सकते हैं क्योंकि इटली इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और इसका ओरिजिन भी एल्प्स होता है। तो देखिए तीनों नदी का ओरिजिन जो इम्पोर्टेंट रिवर है यूरोप की, राइन, रून, पो, इन तीनों का ओरिजिन जो है वो आपके एल्प्स माउंटेन रेंजेस से है। और वेनिस बहुत अच्छा एक शहर है, इटली में है, और ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, डोमेस्टिक कार्यों के लिए भी लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, वो इसी के तट पर लोकेटेड है। और फाइनली ये नदी जाके मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। एक बार हम दोनों को देख लेते हैं, रोन और पो को मैप में। ये देखिए यहाँ पर इटली है और इटली के अंदर यहाँ एल्प से निकलती है रोन और फिर जाके वो मेडिटेरियन में गिर जाती है। देन हमने एक नदी और देखी, वो देखी थी आपके राइन, वो ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर जो है आपके पो रिवर। तो रोन, तो सॉरी रोन इटली की नदी नहीं है, रोन आपके यहाँ से निकलती है एल्प से, एल्प से निकलती है और आके मेडिटेरियन में गिर जाती है, और राइन जो है वो ऊपर नॉर्थ सी में, और पो रिवर जो है वो इटली में बहती है और उसको इटली की गंगा भी कहते हैं। माइंड इट, पो रिवर को गंगा कहते हैं, इटली की गंगा कहते हैं इसको, इटली की, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज गंगा ऑफ इटली। देन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, उसका नाम है विस्टुला। और ये जो विस्टुला नदी है, इसका जो है मेन रिवर जो है ये पोलैंड की इंपॉर्टेंट रिवर है, और बाल्टिक सी में जाके ये अपना जल गिराती है। ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? बाल्टिक सी में जाके ये अपना जल गिराती है। तो ये जो विस्टुला नदी है ये
पोलैंड की बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है, और एक पोलैंड का बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है वॉर्सो, वो इसी के बैंक पर लोकेटेड है। माइंड इट, वॉर्सो इसी के बैंक पे है, और ये बाल्टिक सी में अपना जल गिराती है, बाल्टिक सी में अपना जल गिराती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही करेंगे, यूरोप के हमने रिवर्स देख ली, ठीक है, और यूरोप के हमने इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास देख लिए। रेस्ट ऑफ दी जो यूरोप के बारे में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।